Good morning, my dear students. I welcome to you on this digital platform from Tiny Tots Public Senior Secondary School, Bagme. As you know, we have finished our first poem, and now today I am going to teach you an introduction of boy song. It is written by Richard Wilson Gibson. What is the meaning of boy song? Boy song means बाल गीत. इसको हम बालक का गीत भी कह सकते हैं. अब ये बालक का गीत या बाल गीत लिखा है इस विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन पॉइंट ने. अब इस पॉइंट के अंदर पॉइंट क्या कन्वे करना चाहता है? हियर पॉइंट वांट टू से फ्रीडम ऑफ बर्ड्स. यहां पर इस पॉइंट की मेन थीम रहेगी अपने फ्रीडम ऑफ बर्ड्स. ये इसकी मेन क्या है? ये इसकी इस पॉइंट की थीम है, फ्रीडम ऑफ बर्ड्स, यानी कि पक्षियों की स्वतंत्रता. ये पॉइंट जो है बर्ड्स के लिए अपनी सिंपैथी बताता है, भावनात्मक रूप से जो है पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है. और पॉइंट कहता है जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन, जिस तरीके से हमारा जो संविधान है हमें क्या राइट देता है? हमें फ्रीडम का राइट देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है. हम जहां चाहे वहां घूम सकते हैं, जहां चाहे वहां रह सकते हैं, है ना? तो राइट हमारे पास है, और वो राइट हमें कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन. तो जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कहीं पे भी आने जाने का, कुछ भी बोलने का, कहीं पे भी रहने का, जो हमें फ्रीडम मिलती है कॉन्स्टिट्यूशन से, तो पॉइंट कहता है कि इसी तरीके की फ्रीडम बर्ड्स को भी मिलनी चाहिए. कहने का क्या मतलब है कि इन बर्ड्स को आप स्नेयर में या इनको केज में जो है आप इनको पकड़ के मत रखो, इनको फ्री कर दो. कहने का मतलब पॉइंट कहता है कि इन पक्षियों को आप पिंजरे के अंदर बंद करके मत रखो, इनको भी फ्रीडम का क्या है, इनको फ्रीडम का राइट मिलना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार इनको भी मिलना चाहिए. इनको केज के अंदर जो है आप लॉक करके मत रखो, जाल में इनको जो है बांधो मत, इनको फ्री रखो. पॉइंट ये सिंपति बताता है उन बर्ड्स के लिए. और क्या कहता है पॉइंट? पॉइंट कहता है कि जब ये बर्ड्स फ्री होते हैं, बिल्कुल फ्रीली होते हैं, तब ये बर्ड्स इस पॉइंट को क्या देते हैं और ह्यूमैनिटी को क्या देते हैं? जॉय ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि ये मानवता को क्या देते हैं? ह्यूमैनिटी मतलब यहां मानव, ह्यूमन लिख दो, मानव. मानव को क्या देते हैं? ये खुशी देते हैं. कब? जब ये प्रकृति के साथ होते हैं. प्रकृति के साथ मतलब जब ये अनकेज्ड होते हैं. जब क्या होते हैं? जॉय ऑफ ह्यूमन कब होता है? जब ये अनकेज्ड होते हैं, मतलब बिना किसी पिंजरे में खुले जब ये विचरण कर रहे होते हैं, खुले जब घूम रहे होते हैं, तब ये मानव के लिए क्या बनते हैं? जॉय ऑफ ह्यूमन, मतलब मानव के लिए खुशी जो है, मानव को खुशी देते हैं जब ये फ्री होते हैं. फ्री होते हैं जब ये किसके टच में होते हैं? नेचर के टच में होते हैं. जब नेचर के टच में होते हैं तो जैसे जिस तरीके से हम पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं, क्या एक बर्ड पिंजरे में जो है, जो केज में जो है जकड़ा हुआ बंधा हुआ हमें अच्छा लगता है, या फिर आकाश के अंदर खुला उड़ता हुआ? इस पॉइंट को तो आकाश में खुला उड़ता हुआ वो पक्षी अच्छा लगता है, और वो जॉय ऑफ ह्यूमन का रीजन बनता है. और इसके साथ साथ जो ये क्या बढ़ाता है, अगर ये अनकेज है बर्ड्स तो वो क्या बढ़ेंगे? ब्यूटी ऑफ नेचर. माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना, ब्यूटी ऑफ नेचर. जब बर्ड्स फ्रीली होंगे टोटली, तो वो क्या बनेंगे? वो ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि इस प्रकृति की सुंदरता बनेंगे. प्रकृति की सुंदरता जब बनेंगे, तब हमारा दिल भी जो है, जिस तरीके से हम देखते हैं कभी मॉर्निंग के टाइम पक्षियों का जो है पूरा का पूरा ग्रुप आकाश में उड़ रहा होता है, कितना अच्छा जो है वो सीन होता है. और वो क्यों पक्षी अगर हम इस जो है उनको पिंजरों में कैद करके रखें, तो वो हमें जो है ना खुशी इतनी दे पाते हैं और ना ही नेचर की ब्यूटी को बढ़ा पाते हैं. तो पॉइंट यहाँ पर इस बॉय सॉन्ग के अकॉर्डिंग पॉइंट यहाँ पर एक मैसेज कन्वे करना चाहता है, और यह मैसेज है कि जिस तरीके से ह्यूमन को कॉन्स्टिट्यूशन जिस तरीके से स्वतंत्रता देता है, जिस तरीके से नेचर उसको जो है स्वतंत्रता देती है, उसी तरीके से इन पक्षियों को भी, इन बर्ड्स को भी हमें जो है स्नेयर के अंदर, जाल के अंदर या केज पिंजरे के अंदर बंद नहीं रखना चाहिए. इनको भी
फ्रीडम का राइट देना चाहिए, और जब हम इसको फ्रीडम का राइट देते हैं तभी हमें क्या देते हैं, जॉय ऑफ ह्यूमन, यानी मानव का जो है खुशी का ये रीजन बन जाता है और प्रकृति की सुंदरता का ये रीजन बन जाता है। जब पक्षियों को हम बहुत खुले आकाश में जब उड़ते हुए देखते हैं तब वो हमारे लिए बहुत कैसा मोमेंट होता है, बहुत खुशी का मोमेंट होता है। तो पोइट की यहाँ पर जो है सिंपैथी किसके लिए, इन बर्ड्स के लिए, पोइट की सिंपैथी किसके लिए, इन बर्ड्स के लिए। तो इस तरीके से बॉय सॉन्ग के अंदर जो है पोइट इन बर्ड्स के लिए फ्रीडम की बात करता है और कहता है जिस तरीके से इंसान को हर जगह जाने की, आने की, बोलने की और कहीं पे भी रहने की स्वतंत्रता है, उसी तरीके से पक्षियों को भी स्वतंत्रता देनी चाहिए। और जब इस तरीके से पक्षियों को स्वतंत्रता देंगे तो हमारे लिए क्या होंगे, ये ब्यूटी ऑफ नेचर और जॉय ऑफ ह्यूमन रीजन बनेंगे। तो इस तरीके से पॉइंट जो है यहाँ पर टोटली बर्ड्स की फ्रीडम की बात करते हैं। और पॉइंट एक और चीज कहता है कि चाहे, अब वहां पर वो दो एग्जाम्पल भी लेता है ना, एक ईगल का एग्जाम्पल लेता है और एक ब्लू टिट का एग्जाम्पल लेता है। एक एग्जाम्पल लेता है ब्लू टिट का और दूसरा एग्जाम्पल लेता है ईगल का। अब पॉइंट कहता है कि बॉटम से लेकर टॉप तक, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर किन्हीं बर्ड्स की बात कर रहा है पॉइंट, पॉइंट यहां पर सारे बर्ड्स की बात कर रहा है, छोटे बड़े सारे के सारे, जो भी डाउन टू अर्थ है, जो रिलेट करते हैं अर्थ से वो भी, और जो हाई टू स्काई है यानी कि स्काई के ऊपर जो भी विचरण करने वाले, फॉर एग्जांपल ईगल और फॉर एग्जांपल अर्थ में जैसे ब्लू टिट और हाई स्काई में ईगल। तो बॉटम से लेके डाउन से लेके अप तक जितने भी सारे, बॉटम से लेके टॉप पर जितने सारे जो बर्ड्स है उन सभी की जहाँ यहाँ पर पॉइंट बात करता है और वो एक मैसेज करना चाहता है कि जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स को फ्रीडम मिली है उसी तरीके से जो है इन बर्ड्स के लिए जो अपनी सिंपैथी बताता है और कहता है कि छोटे से छोटे बर्ड, चाहे वो ब्लू टिट हो, चाहे वो बड़े से बड़े बर्ड, चाहे वो ईगल हो आकाश के ऊपर लहराते हुए चलते हो, उन सभी को क्या मिलनी चाहिए, उन सभी को फ्रीडम मिलनी चाहिए, उन सभी को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इस पॉइंट का यहाँ पर यह मैसेज है कि इन बर्ड्स को आज़ादी मिले, हम जो है इनको केज में पिंजरे में पकड़ के नहीं रखें, इनको फ्री कर दें, जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग फ्री है उसी तरीके से ये बर्ड्स भी फ्री रहने चाहिए। और जब इस तरीके का एटमॉस्फेयर होगा, बर्ड्स फ्री होंगे, तब ये क्या करेंगे, प्रकृति की सुंदरता, ब्यूटी जो है नेचर की वो बढ़ेंगे और मानव को खुशी देंगे। तो हमें इन पक्षियों को जो है कैद कर नहीं रखना चाहिए, इनको फ्री रखना चाहिए और हमको इसकी स्वतंत्रता की आवाज उठानी चाहिए। तो इस तरीके से जो है इसका इंट्रो है इस वॉयस सॉन्ग का। The boy song is written by Richard Wilson Gibson. This poem themes is freedom of birds, पक्षियों की स्वतंत्रता, ये sympathy जताता है birds के लिए और यही कहता है, यही बात repeat करता है कि उसको जो किसी जाल में, किसी पिंजरे में कैद ना रखें, उनको भी मानव की तरह स्वतंत्र जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। और चाहे छोटे से छोटा ब्लू टिट क्यों ना हो और बड़े से बड़ा ईगल ही क्यों ना हो, सारे पक्षियों के लिए बात करता है और कहता है कि जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम का राइट देती है उसी तरीके से इनको भी फ्रीडम का राइट मिलना चाहिए। और जब इस तरीके से इनको फ्रीडम का राइट मिलेगा तो हमें क्या देखने को मिलेगी, हमें ब्यूटी ऑफ नेचर देखने को मिलेगी, प्रकृति की सुंदरता में देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जॉय ऑफ ह्यूमन, यानी कि जब प्रकृति की सुंदरता जब इंसान देखता है तो वो ह्यूमन यानी कि सारे ह्यूमन मैन जो है कास्ट के लिखा यहाँ पे कहा गया है, सारे के सारे मानव जाति को क्या मिलेगी, उससे खुशी मिलेगी। तो इस तरीके से इसका इंट्रो है और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है इस बॉय सॉन्ग को जो विल्फ्रेड विल्सन गिब्सन के द्वारा लिखा हुआ है, इसको लाइन टू लाइन इसका जो है एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा इसकी, और आप इसका जो है इसका थीम समझ चुके हो, फ्रीडम ऑफ बर्ड्स। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी लाइन टू लाइन है ना, इसकी जो है एनालिसिस करेंगे और एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स।